जानवर बेहतर पैदावार और मुनाफा बख्श डेयरी फार्मिंग के जामिन होते हैं। पाकिस्तान में हर साल वबाई अमराज से बहुत से कीमती जानवरों का ज़िया हो जाता है। इन बीमारियों में मुखुर, गलघोटू और चौड़ेमार अहम हैं। इन अमराज से सेहतयाब होने के बावजूद मुतासरा जानवरों की सेहत और पैदावारी सलाहियत बरकरार नहीं रहती। इसके अलावा इलाज मुआलजे पर होने वाले अखराजात भी डेयरी फार्मर्स पर इजाफी बोझ का बाइस बनते हैं। ASLP डेयरी प्रोजेक्ट ने किसी भी किस्म की माली अमदाद दिए बगैर छोटे डेयरी फार्मर्स को जानवरों की बेहतर देखभाल और उनमें बीमारियों से रोकथाम के मुतालिक तरबियत फराहम की। प्रोजेक्ट का एक अहम पैगाम जानवरों को बरवक्त हिफाजती टीकाजात लगवाकर उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज करना है। हिफाजती टीकाजात मुख्तलिफ वबाई अमराज के हमले से बरवक्त बचाव का बेहतरीन जरिया है। ये टीकाजात हमेशा तंदुरुस्त जानवरों को ही हिफ्से मातकद्दम के तौर पर मर्ज से बचाव के लिए लगाए जाते हैं, जिससे जानवरों के जिस्म में इन अमराज के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा होती है। मेरा नाम शफकत यासिन मोल है। मैं चक नंबर 82 डी डिस्ट्रिक्ट पाक पटंदा रहिशी हाँ। साढ़े इस इलाके दे विच मुँह खोर की बड़ी आम बीमारी है, जिसकी वजह से जानवर बीमार ते लागर हो जाते हैं और दुध देना कम कर देंगे। उन्होंने ठीक होने 6 महीने लग जाते हैं, जिसकी वजह तो दुध की पैदावार पहले जिनी नहीं रही। ASLP डेयरी प्रोजेक्ट ने मैंने जानवरों के बारे हिफाजती टीकाजात की गाई दी और हूँ मैं बकायदगी अपने जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगा रहा, जिसकी वजह तो मेरे जानवर हूँ कोई बीमारी नहीं है और मेरे जानवर पहले नो तंदुरुस्त। डेयरी प्रोजेक्ट की एक तहकीक के मुताबिक 90% छोटे डेयरी फार्मर्स ने इस पैगाम पर अमल किया और अपने जानवरों को वबाई अमराज से महफूज करके उनकी सेहत और बेहतर पैदावार को यकीनी बनाया। डेयरी प्रोजेक्ट का अज़्म छोटे डेयरी फार्मर्स के जानवरों की अच्छी सेहत और बेहतर पैदावार के जरिए उनकी खुशहाली को यकीनी बनाना है।